हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर है। राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए नया फरमान जारी किया है। अगर आपने यह फरमान नहीं माना तो भविष्य में आपको बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। अधिकारियों का कहना है कि राशन कार्ड धारकों को अब आधार नंबर के साथ ही परिवार के मुखिया का बैंक खाता और IFSC कोड को भी राशन कार्ड से लिंक करवाना जरूरी कर दिया गया है, ताकि भविष्य में राशन पर मिलने वाली सब्सिडी भी सीधे उपभोक्ताओं के खाते में आ सके। आधार कार्ड खाता नंबर जमा करने के लिए 31 अगस्त तक की तिथि निर्धारित की गई है। पूर्ति विभाग ने सभी उपभोक्ताओं को अपने अपने क्षेत्र के सहकारी राशन विक्रेताओं को आधार कार्ड नंबर देने को कहा है। सरकार के निर्देश पर 1.5 साल से अधिक समय से उपभोक्ताओं के आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक करने का काम चल रहा है। जिले भर के 1,50,789 राशन कार्डो पर 6,89,095 यूनिट है। 1.5 साल में करीब 5.5 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने राशन कार्ड को आधार से लिंक करवा दिए हैं। वर्तमान में 31 जुलाई तक आधार लिंक करवाने की आखिरी तिथि घोषित की गई थी। अब सरकार ने राशन कार्ड धारक परिवार के मुखिया का बैंक खाता, IFSC कोड, बैंक का नाम भी राशन कार्ड से लिंक करवाना जरूरी कर दिया है। प्रत्येक कार्ड धारक को बैंक खाता से संबंधित जानकारी 31 अगस्त तक जिला पूर्ति कार्यालय अपने अपने क्षेत्र के सहकारी राशन विक्रेता को देनी होगी, ताकि भविष्य में चीनी, चावल, गेहूं आदि सरकारी राशन पर मिलने वाले सब्सिडी सीधे संबंधित व्यक्ति के खाते में आ सके। शुक्ला का कहना है कि सरकार ने आधार कार्ड के साथ ही अब बैंक खाता नंबर, IFSC कोड, बैंक का नाम भी राशन कार्ड से अनिवार्य रूप से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। 31 अगस्त तक सभी उपभोक्ताओं को बैंक खाता, आधार नंबर जमा करवाना होगा।